तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे से होंगे। तो जैसे कि गाइस, आज हम लोग आए हैं बगजल्ला घोषपाड़ा, रोहित घोष के खडाल में, जो कि इन्होंने भी 2024 के लिए एक बिग कलेक्शन रखा है। कम ही है मगर बहुत अच्छा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बगजल्ला का फुल वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो आज मैं आ गया हूँ घोषपाड़ा, जो कि बगजल्ला के नाम से बहुत फेमस है। और 2024 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बगजल्ला का, तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग आए हैं रोहित घोष की डेयरी फार्म में, और इनके डेयरी फार्म में आपको हर बजट का नस्ल का जानवर मिल जाएगा। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, जिनको भी जाना है वो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और गाइस, मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे दोबारा वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار وارقبوا الرايات تصغى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار وارقبوا الرايات تصغى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفرين إننا منتصرون كبرق أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون إننا منتصرون لا لن يقول البعد عن النصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأصول فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأصول سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا तो गाइस, यही है रोहित घोष जिनका ये खटाल है। तो इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जिनको भी बात करना है इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है दादा? ठीक है दादा, ठीक है ठीक है।